हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू कंसेप्ट इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डी ब्लॉक के बारे में डिटेल में इंटरप्रिटेशन देखा है, तो आज के लेक्चर में हम एफ ब्लॉक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मीन बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहा जाता है, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं कि जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन एक्चुअली क्या है, और पोजीशन के बाद एक सिंपल प्रॉपर्टीज बेस ये क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नाउ यू आर वेल फैमिलियर अबाउट व्हाट डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। जैसे मैंने पहले बताया था कि थर्ड बी ग्रुप में स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम एंड एक्टिनियम। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम, एक्टिनियम। तो यहां आप देख सकते हो, दिस इज सिक्स्थ पीरियड, ये होगा सेवंथ पीरियड, और ग्रुप होगा यहां पर थर्ड। ऑब्वियसली इट इज व्हाट थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। तो लैंथेनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स एक्चुअली व्हाट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन आर लैंथेनाइड्स, पहले कौन से एलिमेंट है, लैंथेनाइड्स, एंड सेकंड कैटेगरी आर एक्टिनाइड्स। सेकंड वन आर एक्टिनाइड्स। व्हाई elements are called as lanthanides and actinides, and why actinide lanthanides are combinedly called as f block element, ye do questions clear hona bahut zaruri hai. Ab inhe f block element kyu kaha jata hai, pehle hum isse clear karte hain. Now you are well familiar, during electronic configuration when last electron enter into f orbital, lekin kaun sa f orbital, एक तो वो होगा प्री पेन अल्टीमेट, ओके, प्री पेन अल्टीमेट शेल, या उसे ही कहा जाएगा व्हाट, एंटी पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट शेल, दैट मीन्स आई कैन डिफाइन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू प्री पेन अल्टीमेट शेल और एफ ऑर्बिटल, और एंटी पेन अल्टीमेट शेल और एफ ऑर्बिटल are called as f block element. उन्हें क्या कहा जाता है, f block element। मतलब बात क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय अगर एंड वाला इलेक्ट्रॉन ये पेन अल्टीमेट, प्री पेन अल्टीमेट और एंटी पेन अल्टीमेट ऑफ f ऑर्बिटल में अगर एंटर होता है तो उन्हें f block element कहा जाता है। अब f block elements which are categorized into what two types, lanthanides and actinides। तो अब इन्हें lanthanide actinide क्यों कहा गया, तो यहां पर आप देख रहे हो, the elements which are come after lanthanium, these are at about 14 elements are called as lanthanides। इन्हें क्या कहा गया है, lanthanides, these are 14 elements will be there, and the elements which are come after actinium, these are also 14 elements are called as actinides। उन्हें क्या कहा गया है, actinides। तो यहां आप देख रहे हो, लैंथेनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स इन बोथ द सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू प्री पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल, हेंस दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लैंथेनाइड्स द एलिमेंट व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम to lutetium having atomic number 58 to 71। atomic number क्या होगा इनका, 58 to 71, क्योंकि यहाँ lanthanium का atomic number कितना है, 57। and the elements which are come after actinium which are starting from thorium having atomic number 90 to lawrencium atomic number 103। ये क्या है, 103, दैट मीन्स एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हो, ये है जनरल पोजीशन। ये क्या है, जनरल पोजीशन।
तो यहां एक बात क्लियर हो चुकी है, लैंथेनाइड्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 58 टू 71 एंड एक्टिनाइड्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 90 टू 103 विच आर प्रेजेंट इन टू थर्ड बी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन टू सिक्स एंड सेवंथ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के सिक्स या सेवंथ पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर बात अराइज होती है इस एलिमेंट को क्या कहा गया है, दिस एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन टू एफ ऑर्बिटल, तो ये एलिमेंट को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन सीरीज, इन्हें क्या कहा जाता है इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो ये जो लैंथेनाइड्स है दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड एज सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो कौन से शेल में है, वो n माइनस टू एफ शेल में है, कौन से n माइनस टू एफ शेल में है। ये n माइनस टू ये बहुत ही डीप होने की रीजन से, अंदर होने के रीजन से इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस तरह से कहा जाता है। तो ये थे फर्स्ट इनर एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक्चुअली दिस एलिमेंट्स दैट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी पोजिशन कॉन्ट्रोवर्सियल है, इनकी पोजिशन क्या है कॉन्ट्रोवर्सियल। तो इनकी पोजिशन एक्चुअली सेंट्रल जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर नहीं है, वहां पर उसे पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए उन्हें वहां से निकाल के थर्ड बी ग्रुप से उन्हें एलिमिनेट करके एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पुट किया गया है। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से वेयर आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड इन टू वर्टिकली थर्ड बी ग्रुप, हॉरिजॉन्टली इन टू सिक्स एंड सेवंथ पीरियड बट एक्चुअली प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इनका लोकेशन इन दोनों के बीच में है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में जो है उसे शो करते हैं। इस तरह से ये था जनरल इंटरप्रिटेशन अबाउट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ओके, तो ये जनरल इंटरप्रिटेशन के बाद अब हम मूव करते हैं प्रॉपर कुछ प्रॉपर्टीज की ओर कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, अब प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। जैसे कि हमने डिस्कस किया है एफ ब्लॉक एलिमेंट में विच कैटेगराइज इनटू लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक लैंथेनाइड्स अनदर वन एक्टिनाइड्स। नाउ लैंथेनाइड्स यू आर वेल फैमिलियर द एलिमेंट्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, सीरियम टू ल्यूटेशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 58 to 71। ओके, दिस लैंथेनाइड्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम आर कॉल्ड एज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें क्या कहा जाता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल्स, इन्हें क्या कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल। ये रेयर अर्थ मेटल है, इसका मतलब इनका एबंडेंस ये क्या है बहुत ही कम होता है, इनका एबंडेंस बहुत ही कम होता है। दिस एलिमेंट्स आर लेस एबंडेंट इन नेचर एंड दिस एलिमेंट्स विच आर जनरली ऑकर फ्रॉम द मोनाजाइट सैंड, फ्रॉम द मोनाजाइट सैंड। ये मोनाजाइट सैंड से हमें मिलते हैं एंड दिस ऑल द एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकर, नेचुरली ऑकर एक्सेप्ट इन विच जो प्रोमिथियम, वो प्रोमिथियम दैट प्रोमिथियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि लैंथेनाइड सीरीज में यहां पर एक वेरिएशन क्या है प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर देखा जाए तो, कि लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, दिस एलिमेंट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट सैंड एंड ऑल द एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स हैं नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स जो मोनाजाइट सैंड से हमें मिलते हैं। इन दिस
एक्सेप्ट प्रोमेथियम, एक्सेप्ट प्रोमेथियम मतलब प्रोमेथियम इज वन ऑफ द एलिमेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट इज रेडियो एक्टिव, अनदर एलिमेंट्स ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। दिस इज अबाउट लैंथेनाइड्स। अब बात अगर होती है एक्टिनाइड्स की, तो एक्टिनाइड में यू आर वेल फैमिलियर द एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वॉट थोरियम टू लॉरेंशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 90 to 103। ओके, दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज वॉट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन है तो ये कौन सी इनर ट्रांजिशन है? सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल, इन्हें भी रेयर अर्थ मेटल ही कहा जाता है। एंड दिस एलिमेंट्स, ये पॉइंट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लैंथेनाइड्स, मोनेजाइट, सैंड्स हमें मिलते हैं, दिस ऑल द एलिमेंट्स आर all the elements are synthetic, all the elements are synthetic in nature except thorium, protactinium and uranium, these are naturally occurring elements. Naturally occurring element and these all elements are radioactive in nature. All the elements are radioactive in nature. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तीन elements naturally occurring हैं और बाकी के बचे हुए सारे elements क्या है आपके, what synthetic or man-made elements। तो यहां पर आपको यही देखना है कि अब यहां पर आप देख रहे हो कि uranium, the elements which are come after uranium are called as transuranic element। क्या कहा जाता है उन्हें जो after uranium के बाद आते हैं, that means after uranium are called as transuranic element, उन्हें transuranic element कहा जाता है। और यहाँ पर सारे elements radioactive होने के reason से ये खुद active radiations बाहर क्या करते हैं, emit करते हैं। तो this is about difference or comparison in between lanthanides and actinides at general level. Okay, now move to the properties of lanthanides and actinides. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कुछ properties मैंने यहाँ पर left में draw की हैं और उसके सामने उसकी जो properties हैं वो एक comparative form में यहाँ पर मैंने note की हैं। जैसे lanthanides actinides में ये property क्या exhibit करती है यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे first one radioactive nature, first one is radioactive nature, all the lanthanides यहाँ पर आप देख रहे हो कि except promethium, promethium ये एक अकेला element है lanthanide series में जो radioactive है, लेकिन बाकी के elements ये radioactive नहीं है। यहाँ पर actinides, all the actinides are radioactive in nature, okay, promethium is radioactive and यहाँ पर all the elements are hot actinides कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव जो एक्टिव रेडिएशंस बाहर क्या करते हैं, इमिट करते हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी बेसिक कैरेक्टर, यहां आप देख रहे हैं कि लैंथेनाइड्स आर लेस बेसिक इन नेचर बट एक्टिनाइड्स आर मोर बेसिक इन नेचर। एक्टिनाइड के बेसिक कैरेक्टर बेसिसिटी ये एज कंपेयर टू लैंथेनाइड क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोआयंस, ऑक्सोआयंस मीन्स वॉट, the ions with element oxygen ion which is present in positive or negative form. So lanthanide generally do not form oxoions but actinide can form oxocation and oxoanion. So here you are seeing uranium UO plus or UO2 2 plus and here plutonium PuO2 minus. So this is here oxonium anion, this is oxonium, what is cation? In this way lanthanide what ऑक्सोआयंस फॉर्म नहीं करते हैं तो एक्टिनाइड्स ये ऑक्सोआयंस फॉर्म करते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब यहां पर आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में लैंथेनाइड की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ये बहुत ही पुअर होती है, तो एक्टिनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इज अ ग्रेटर एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स। कलर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन लैंथेनाइड्स व्हिच हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आर कलरलेस, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विथ
प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आर कलरलेस इन लेंथ एंड हाइट, लेकिन यहां पर मोस्ट ऑफ दी प्लस थ्री और प्लस फोर एलिमेंट्स ये कलर्ड एलिमेंट्स है। जैसे यहां पर देख रहे हो आप, यूरेनियम प्लस थ्री ग्रीन होता है, यूरेनियम प्लस फोर यहां पर रेड होता है। इसका मतलब कलर के बारे में अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इसका ओएन नंबर अगर कलरलेस है तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्टिनाइड्स ये कलर शो करता है। बाइंडिंग एनर्जी इसकी हाई होती है तो इसकी लो होती है। ओके, यहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी यहां पर मैक्स है, यहां पर क्या होगी मेन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ बॉन्डिंग नेचर। बॉन्डिंग नेचर यहां आप देख रहे हो कि बॉन्डिंग नेचर में लैंथेनाइड शो इन जनरल आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड शो करता है, आयोनिक कैरेक्टर शो करता है। तो एक्टिनाइड्स शो कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी देयर। ये कोवेलेंट शो करेगा, ये आयोनिक नेचर शो करेगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहां पर लो होगा, एक्टिनाइड में हाई। डेंसिटी लो, यहां पर एक्टिनाइड में हाई। रिएक्टिविटी इसकी लेस है, दीज आर लेस रिएक्टिव, और यहां पर यह होगा मोर रिएक्टिव इन नेचर। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, दीज आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां पर रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ये लेस रेड्यूसिंग और वहां पर होता है मोर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात होती है, इस हैविंग लो आईपी, वहां पर होगा वेरी लो आईपी। मतलब यहां पर आईपी तो ऑलरेडी लो होगा क्योंकि यहां पर जो ऑर्बिटल है वो कौन सा, बहुत ही डीप एफ ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन यहां पर एफ में एंटर करता है तो एफ से उसे निकालना इजी होगा, इसलिए यहां पर आईपी लो होगा, यहां पर वेरी लो। कॉन्ट्रैक्शन यहां पर लेस है, वहां पर मोर कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर। एंड वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर प्लस थ्री। प्लस थ्री क्या होगा, मोस्ट कॉमन ओएन नंबर, लेकिन इन जनरली लैंथेनाइड ये प्लस टू प्लस फोर भी एग्जिबिट करता है और एक्टिनाइड ये प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ये भी एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पर इस चार्ट से, इस टेबल से क्लियर होता है ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर कंपैरेटिवली एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज लैंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में है। अब हम देखते हैं लैंथेनाइड्स के अंदर कुछ रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी फैक्टर कैसे होता है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमें खास देखना है रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स विद हाइड्रोजन, कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन, सल्फर, मिनरल एसिड एंड एयर। तो यहां आप देख रहे हो नंबर फर्स्ट, रिएक्शन विद H2। जैसे मैंने आपको कहा कि लैंथेनाइड में कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस थ्री। ये प्लस थ्री कॉमन ओएन नंबर होता है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे। तो यहां आप देख रहे हो, मैं फर्स्ट ले रहा हूं लैंथेनाइड्स प्लस इन दिस केस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन माइनस वन होता है, यहां पर लैंथेनाइड ये कितना होता है, प्लस थ्री। देयरफॉर आई कैन राइट इन दिस केस, मैं यहां पर है H2 ले रहा हूं तो LnH2 तो हो नहीं सकता, तो ये इन जनरल क्या बनेगा, LnH3। 3HT H3 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होने के रीजन से यहां पर मैं इसे 2 ले लेता हूं। ओके, और यहां लेता हूं 3, इट बिकम ट्वाइस ऑफ LnH3। तो यहां पर H होगा माइनस वन, तो लैंथेनियम जो भी होगा वो Ln, दैट इज व्हाट, प्लस 3। नाउ नंबर सेकंड, रिएक्शन विद कार्बन। जनरल लेवल पर अगर देखा जाए तो कार्बन यहां पर रिएक्टिंग व्हेन विद लैंथेनियम इट गिव्स वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बाइड। ये अलग अलग टाइप के कार्बाइड यहां पर देता है, जैसे कि ये देगा, इट गिव्स LnC2, ये LnC2 भी देता है, इट गिव्स LN2C3, ये LN2C3 भी देता है, एंड इट गिव्स व्हाट, LN3C, ये भी देता है। ये तीन टाइप के कार्बाइड यहां पर फॉर्म करेगा। तो यहां मैं ले रहा हूं LN प्लस, यहां लेता हूं कार्बन, तो यहां पर लूंगा ये थाइस ऑफ LN। कार्बन के साथ रिएक्ट होने के बाद एट 2500 डिग्री सेल्सियस ये देगा व्हाट, LN3C। ये इस तरह से एक कार्बाइड फॉर्म करता है। तो जनरली लैंथेनियम रिएक्टिंग विद कार्बन इट गिव्स कार्बाइड। नाउ रिएक्शन नंबर थ्री, रिएक्शन नंबर थ्री में जनरली वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो यहां आप देख रहे हो विथ वाटर, लैंथेनियम रिएक्टिंग विथ वाटर इट गिव्स हाइड्रोक्साइड। अगर ये हाइड्रोक्साइड दे रहा है तो ये देगा LnOH3। यहां पर टोटल नंबर ऑफ OH3, थ्री ऑक्सीजन यहां पर ले रहा हूं
थ्री ऑक्सीजन वहां पर कवर, थ्री टू जा सिक्स, तो यहां पर आई कैन राइट थ्री बाय टू एच टू, थ्री बाय टू एच टू, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, तो विथ हाइड्रोजन इट गिव्स हाइड्राइड, विथ कार्बन इट गिव्स कार्बाइड, विथ वॉटर इट गिव्स हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड रिएक्शन नंबर फोर विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अगर बात की जाए तो एलाइन मीन्स लैंथेनियम, जो लैंथेनाइड्स है वो, और यहां ले रहा हूं नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन इन जनरल माइनस थ्री होता है, तो यहां पर एलाइन ये कितना होता है प्लस थ्री, तो यहां पर ये सीधा एक बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। दैट मीन्स इन दिस केस आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एलाइन इट गिव्स ट्वाइस ऑफ एलाइन एन, ट्वाइस ऑफ एलाइन एन लैंथेनाइड्स ये नाइट्राइड यहां पर फॉर्म करेगा। नंबर फिफ्थ, फिफ्थ में आप देख रहे हो सल्फर। ओके, तो यहां ले रहा हूं मैं लैंथेनियम प्लस यहां ले रहा हूं सल्फर। यू आर वेल फैमिलियर सल्फर, सल्फर माइनस टू होता है, लैंथेनाइड प्लस थ्री होता है, तो चार्ज अगर बैलेंस करना है तो यहां पर एल एन एस, यहां पर ये प्लस थ्री, यहां पर होगा ये माइनस टू, तो ये होना चाहिए थ्री, ये होना चाहिए टू, इट गिव्स एल एन टू एस थ्री, क्या फॉर्म करेगा ये एल एन टू एस थ्री लैंथेनियम सल्फाइड। नाउ नंबर सिक्स मिनरल एसिड, मिनरल एसिड दैट मीन्स हमारे पास है एच सी एल। ओके, तो मिनरल एसिड में आप यहां पर देख सकते हो ये प्लस थ्री है तो ये सी एल माइनस वन है, तो इन जनरल इट गिव्स एल एन सी एल थ्री, ये एल एन सी एल थ्री बनाएगा। एल एन अगर सी एल थ्री बना रहा है लेकिन यहां पर एच सी एल, जो हाइड्रोजन तीन यहां पर लिबरेट हो गए वो पॉसिबल नहीं है, तो आई कैन राइट इन दिस केस सिक्स एच सी एल, यहां ले रहा हूं मैं टू, इट बिकम ट्वाइस ऑफ एल एन सी एल थ्री प्लस थाइस ऑफ एच टू, एच टू यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होगा लिबरेट। एंड द लास्ट वन रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन, इट गिव्स लैंथेनियम प्लस यहां ले रहा हूं मैं ओ टू, फिर से वही प्रॉब्लम जो सल्फर में था माइनस टू यहां पर प्लस थ्री, तो यहां हम इसे टू ले लेते हैं, इसे थ्री, इट बिकम्स एल एन टू ओ थ्री, ये देगा ऑक्साइड। तो यहां पर आपने देखा इस रिएक्शन में इसने क्या क्या फॉर्म किया, हाइड्रोजन के साथ ये देगा हाइड्राइड। ओके, इन दिस केस इट गिव्स कार्बाइड। ओके, इन दिस इट गिव्स हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड देगा, ये देगा नाइट्राइड। ओके, सल्फाइड। ओके, ये देगा क्लोराइड, एंड लास्ट वन इट गिव्स ऑक्साइड। इन दिस वे लैंथेनियम प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड। दिस इज अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। Now we move to the next concept, that is lanthanide contraction. This is most important concept in this. इस contraction में मुझे देखना है तीन चीजें कि lanthanide contraction के effect या causes क्या क्या होते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि actually lanthanide contraction होता क्या है। तो lanthanide contraction is defined as the regular decrease in atomic and ionic radii, the regular decrease in atomic and ionic radius from left to right. From left to right is called as lanthanide contraction by increasing atomic number. Matlab when we move from left to right that means what? Cerium to lutetium. जब मैं सीरियम टू ल्यूटेशियम अगर मूव करता हूं तो कंटिन्यूअसली क्या होगा वहां पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फॉर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस गोइंग ऑन डिक्रीजिंग सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये डिक्रीमेंट जो होता है ये डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, दिस डिक्रीमेंट इज लेस, लेकिन डिक्रीमेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब देखते हैं ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस इन लैंथेनाइड सीरीज, अगर हम मूव कर रहे हैं लैंथेनाइड सीरीज में, इन लैंथेनाइड सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा एट दैट टाइम व्हाट्स हैपन, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय वन, एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली क्या होगा इंक्रीज बाय वन। एटॉमिक नंबर अगर एक एक से इंक्रीज हो रहा है साइमल्टेनियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन
enter into f orbital. Enter into 4f orbital. यहां proper तरीके से concentrate करना कि यहां हो क्या रहा है. Lanthanide series में जब हम move करेंगे left to right move करना मतलब lanthanium that means cerium to lutetium, तो atomic number continuously एक एक से बढ़ेगा. जैसे कि वहां पर क्या होना चाहिए, जैसे हमने देखा कि cerium atomic number 58, 59, वहां पर 60, इस तरह से एक एक से atomic number जैसे जैसे increase होगा, उसी समय simultaneously एक electron वहां पर 4f orbital में continuously क्या होगा, enter होगा. Okay? अब 4f इलेक्ट्रॉन, ये 4f ऑर्बिटल जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, ये 4f ऑर्बिटल ये कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी पेन अल्टीमेट शेल. ये कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी पेन अल्टीमेट शेल. तो यहां पर आप देख रहे हो सेकंड जो चीज है शील्डिंग इफेक्ट. ओके, शील्डिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड कैसा है, एस इज ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी एंड ग्रेटर देन एफ. तो यहां आप देख रहे हो शील्डिंग इफेक्ट में एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे लेस होता है. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4f ऑर्बिटल बट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल ये बहुत ही लेस होता है. और शील्डिंग इफेक्ट यहां पर 4f ऑर्बिटल का लेस होने के रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली क्या अंदर पुल किए जाएंगे, और वो इजीली पुल करने के वजह से यहां पर मैं लिख सकता हूं हेंस न्यूक्लियर इफेक्ट डोमिनेट्स ऑन शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग और आई कैन राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट. और यहां पर न्यूक्लियर इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से अल्टीमेटली यहां पर कंटिन्यूअसली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन will be there. This contraction is called as lanthanide contraction. इस तीन पॉइंट से क्लियर होता है कि why lanthanide contraction occur in this case. तो in short अगर बताना चाहूंगा तो वही होगा, what left to right move करते समय at that time what atomic number increase by one, simultaneously one electron enter into 4f orbital, but the screening effect or the shielding effect of 4f orbital is lower, hence nuclear effect get dominant, and due to which contraction, that means electrons strongly pulled by nucleus and contraction easily made will be there. Iska matlab contraction wahan par hoga, such contraction is called as lanthanide contraction, use lanthanide contraction kaha jata hai. Ab hum dekhenge lanthanide contraction ke causes, ये causes इसके वजह से कौन सा इफेक्ट होता है. तो सबसे पहला इफेक्ट है बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर या यहां पर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है वो हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. अब यहां पर हमें हाइड्रोक्साइड के बारे में देखना है. हमने थोड़ी देर पहले केमिकल प्रॉपर्टी में देखा कि ये वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोक्साइड इजीली फॉर्म करता है, कुछ इस तरह से वो रिएक्शन थी. ओके, तो आई कैन राइट LnHOH3, इस तरह से ये ले रहा हूं 3, यहां पर ये बनेगा थाइस ऑफ H2, मतलब ये कंफर्म है कि ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. अब हमें ये देखना है कि इस हाइड्रोक्साइड में कौन से चेंजेस यहां पर आते हैं. ओके, तो अभी अभी मैंने देखा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. एटॉमिक या आयोनिक रेडियस कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज. कहां से कहां तक, पूरे लैंथेनाइड सीरीज में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये डिक्रीमेंट यहां पर आ रहा है. जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं Na3+ से आई कैन राइट Lutetium+3. ओके, तो यहां पर एक बात क्लियर हो गया कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक आयनिक रेडियस में डिक्रीमेंट आ रहा है लेफ्ट टू राइट. अगर ये डिक्रीमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन एटॉमिक और आयनिक रेडियस, कोवेलेंट कैरेक्टर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बेसिक नेचर
ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं एक शॉर्ट तरीके से यहां पर एक ट्रेंड बनाता हूं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज तो बेसिसिटी गोइंग ऑन डिक्रीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन दिस केस। ओके, तो ये सब लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसलिए एटॉमिक रेडियस घटा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गए, तो बेसिसिटी अल्टीमेटली क्या हो गई, डिक्रीज। तो यहां पर ट्रेंड कुछ इस तरह से हम लगा सकते हैं, जैसे लैंथेनियम OH3, ओके, सीरियम OH3, यहां ले रहा हूं मैं डॉट, ओके, लास्ट वन ल्यूटेशियम OH3, ये डिक्रीमेंट आ रहा है हाइड्रोक्साइड के बेसिक कैरेक्टर में। और अगर ऑक्साइड्स यहां पर मैं रेफर करता हूं तो इट बिकम Na2O3, ओके, C2O3, Lu2O3, दीज आर द ऑक्साइड। और यहां पर जो हुआ है दैट इज व्हाट, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर का ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स पर इफेक्ट करता है। नाउ सेकंड वन, आयोनिक रेडियस ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट, आयोनिक रेडियस ऑफ पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट। यहां पर एक वर्ड दिया है पोस्ट लैंथेनाइड, पोस्ट लैंथेनाइड मतलब द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आफ्टर लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स के बाद जो एलिमेंट्स हैं, दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, पोस्ट लैंथेनियम एलिमेंट। अब ये एलिमेंट आफ्टर लैंथेनाइड्स दैट मीन्स पोस्ट, पोस्ट मतलब उसके बाद वाले एलिमेंट। अब इसके अंदर क्या चेंज आता है हमें ये देखना है। अगर मैं यहां पर देखता हूं अकॉर्डिंग टू ग्रुप, जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पर स्कैंडियम आफ्टर देन इट्रियम, यहाँ पर ले रहा हूँ लैंथेनियम और ये होगा एक्टिनियम, तो ये इसके टोटल 14 एलिमेंट हैं। तो 14 एलिमेंट एंड आफ्टर देन यहाँ के बाद भी कौन से आएंगे, 14 एलिमेंट। तो 14 एलिमेंट इस तरह से ये मूव होंगे, ये बॉटम में प्रेजेंट है और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप वाइज, ओके। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की बात चल रही है, तो ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द डिक्रीमेंट इन आयनिक रेडियस इनटू फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट में तो डिक्रीमेंट फास्ट हुआ है लेकिन सेकंड थर्ड में जो डिक्रीमेंट है वो पूरी तरह से नहीं होगा, सेकंड थर्ड का डिक्रीमेंट एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड ये क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसका मतलब आई कैन राइट फर्स्ट एंड सेकंड मोर डिफरेंस इन आयनिक रेडियस बट सेकंड एंड थर्ड लेस डिफरेंस इन आयनिक रेडियस। इन सेकंड थर्ड में डिफरेंस लेस होने के रीजंस हैं, दिस आर रिसेंबल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं और ये रिसेंबल करते हैं, हैंस इट्स प्रॉपर्टीज गेट सेम और सिमिलर, इनकी प्रॉपर्टी सेम या सिमिलर होती है। दिस इज द फर्स्ट कॉज, सेकंड कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो थर्ड वाला है दैट थर्ड इज व्हाट, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड कॉज इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से सेकंड थर्ड में जो वहां पर डिक्रीमेंट आना चाहिए वो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसीलिए इन जनरल टोटली अगर मैं बात करता हूँ लैंथेनाइड्स की तो वहां पर जो डिक्रीमेंट हुआ है, ग्रेडेशन हुआ है एटॉमिक रेडियस डिक्रीमेंट का, वो बहुत ही लेस होने के रीजन से उस सारे एलिमेंट्स की जनरली प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर हैं, इसीलिए प्योर स्टेट में इन्हें डिफरेंशिएट करना
डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब ऑल दी प्रॉपर्टीज इन जनरल ऑफ लैंथेनाइड्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड वी कैनॉट सेपरेट आउट इन द प्योर फॉर्म फॉर दैट एलिमेंट। दिस इज अबाउट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स causes. In this way, your F block elements get over. इतने properties के बेस पर question easy तरह के तरीके से यहाँ पर बन जाता है. Okay?